एक जरूरी बात करनी है आपसे। खैर तो है बच्चे। असल बात सामने आ गई है, मैंने सोचा जरा गौर कर लूं फिर बताऊं आपको ये बात। बासम किसको पसंद करती है पता चल गया? क्या उसने नाम बताया तुम्हें? नाम तो नहीं लिया मगर इशारतन बता दिया, वो कासिम आगा है। हमारा फरीजा है बल्कि नजबुलैन होना चाहिए कि अदलो इंसाफ से फैसले करने में कोई कसर ना उठा रखेंगे, लेकिन असल मकसद फरियादियों को इंसाफ देना है। हर वो शख्स जो तकलीफ पहुंचाएगा किसी दूसरे की जान को या माल, तो वो कान खोल कर सुने कि इस शहर में अदालती निजाम शरीयत के मुताबिक। यकीनन ये यूनस अफंदी की कारस्तानी है सरियागा, जिसे कुएं में फेंक चुके थे। वो दानिशमंद बनकर हमारी ही जड़ों में बैठ गया। कबूल ना करते तो और क्या करते? और तो और, वो हमारे सारे राजों से वाकिफ हो गया है और अब हमारे बेटे को भी हमारे खिलाफ कर चुका है। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है उसने। तलवार नियाम से बाहर आ चुकी है सरियागा। जानदार ओगलू की हकूमत में हुक्म किसी और का नहीं, जानदार ओगलू का ही चलेगा। और ये बात सारी दुनिया की तरह ताब्दो कैमरे को भी कबूल करना ही पड़ेगी। और अगर कबूल नहीं करते तो जाएं कहीं और जाकर बनाए अपनी दरगाह। आपको भूख तो नहीं लग रही? खाना लगवा दूं आपके लिए सरदार। इतना वक्त क्यों लगाया तुमने बाजार में खातून? अम्मा जान से भी मिलने चली गई थी। आज के बाद ताब्दो कैमरे की दरगाह में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सुन लिया तुमने? अब कभी हमें खबर ना मिले कि तुम वहां गई हो जायदा खातून, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। जैसे आपका हुक्म सरदार। ये हो क्या रहा है सरियागा? चारों तरफ से मुसीबतों में घिर गई है मेरी जान। किस तरह निकालूं अपने आप को इस जंजाल से? बड़े कहते हैं कि रहम दिली का अंजाम पूरा होता है। बिल्कुल ठीक कहा करते थे, आज समझ आया सरियागा। अगर दुश्मन समझ ही नहीं आए हमें तो क्यों ना उन्हें दुश्मन बनकर दिखाया जाए। कोई और हुक्म नहीं है तो मैं चली जाऊं? सरदार का मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है आइगुल? यूनुस अफंदी इस्तीफा देकर चले गए हैं, तब से गुस्से में है मुसलसल। यूनुस अफंदी? इस्तीफा देके चले गए? क्यों चले गए मालूम है? यूनुस आगा, आज आप काम पर नहीं गए?
नहीं गया। लेकिन आप तो कभी छुट्टी नहीं करते। हाँ नहीं करता, लेकिन अब मुस्तकिल छुट्टी ले ली है, इस्तीफा दे दिया है। शुक्र है खुदा का। अंदाजा हो गया आपको वो सरदार कितना जालिम था जिसके आप मुशीर थे? हाँ हो ही गया अंदाजा। अगर तुम बरवक्त हमें तंबी ना करते, खुदा जाने हमें समझने में कितनी देर हो जाती। ये अच्छा हुआ आप तो सुकून में आ गए हैं। लेकिन मुझे तो बहुत से काम निपटाने जाना है बाजार। अखी बिरादरी के बेशुमार काम हैं। आपके साथ जाता तो मजा आता। मैं भी आज छुट्टी ना कर लूं? तुम छुट्टी बिल्कुल नहीं कर सकते। शेख मोहतरम। आमीन। आ जाओ कासिम, आओ। हाँ दरवेशों की सुनाओ, क्या कर रहे हैं वो कासिम? हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ है शेख मोहतरम। लेकिन यूनुस अफंदी लकड़ियां काट रहे हैं यहीं बाहर, आज अपने काम पर नहीं गए वो। अच्छा है अच्छा है, रात को सर्दी बहुत होगी, लकड़ियां ज्यादा चाहिए। दरवेश है ना, वो ये काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं शेख मोहतरम। क्या आपने इसलिए यूनुस अफंदी को काम पर जाने से मना किया? असल में बात ये नहीं है कासिम, यूनुस अफंदी ने खुद फैसला किया और इस्तीफा दे दिया मुशीर सरदार के मनसब से, और अब से वो यहीं पर दरगाही में रहेंगे। गुस्ताखी मुआफ शेख मोहतरम, यहाँ सभी दरवेश अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, दरगाह के तमाम मामलात बहसन खूबी चल रहे हैं। आपको क्या कोई नक्स, कोई कसूर नजर आया हमारे इंतजाम में शेख? हमारी आंखों को तो सही चीजें भी दिखाई नहीं देती कासिम, नक्स कैसे नजर आएगा? यूनुस अफंदी के यहीं काम पर लग जाने से हमें लगा कि दरगाह के इंतजाम में हमसे कोई कसूर सरजद हो गया है शेख। इसमें हमारा कोई दखल नहीं कासिम, उसने इरादा किया और छोड़ाया। पूछिए जो पूछना है। क्या पूछना चाहते हैं आदम अफंदी? इनका ख्याल है कि आप अभी तक इनसे नाराज हैं। मैंने कहा डरिए नहीं, पूछ लीजिए चलकर। आदम अफंदी से भला हम क्यों नाराज होंगे इस्माइल? क्या इन्होंने कहा था कि दरवेशी खिरके और इमामे का नाम है? वो तो किसी और की बात पहुंचाई थी इन्होंने। एलची पर नाराज नहीं हुआ जाता। जाहिर है आदम अफंदी नहीं जानते थे कि खिरका और इमामा ये तो महज हुलिया है, शख्सियत नहीं। आओ आतिशदान के पास बैठो, आ जाओ। कैसी गजब की सर्दी हो रही है ना। हाथ सेको अच्छी तरह। अगर तुम कोई अलामत, कोई इशारा जोड़ना चाहो तो दरवेश की अलामत सिर्फ ये है कि वो किसी का दिल ना दुखाए। हमारे शेख कहते हैं ना, दिल खुदा का तख्त है,
तोड़ने की सजा सख्त है, तो बस हमें किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। अगर हम जानबूझकर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को दानिस्ता दिली तकलीफ पहुंचाते हैं, तो इबादतें नमाजें किस काम की? तुमने तो जल्दी आने का कहा था, चश्मे पर साथ जाना था हमें। बस मेरे जहन से निकल गया था। जब मुझे मदद की जरूरत होती है तो गायब हो जाते हो तुम। इससे पहले कब मैं आपकी मदद के वक्त गायब हुआ हूँ बासम आपा? क्या करूँ, जब मैं यूनुस आगा के साथ होता हूँ ना तो सब भूल जाता हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। हवेली नहीं गए थे क्या आज यूनुस? अब वो जाएंगे ही नहीं, काम छोड़ दिया है उन्होंने वहाँ से। किसने कहा तुमसे उन्होंने काम छोड़ दिया? कौन कहेगा मुझसे, उन्होंने ही बताया है खुद, इस्तीफा दे दिया और काम छोड़ दिया है। लेकिन छोड़ क्यों दिया? भाई ये बात तो नहीं पता मुझे, इतना हैरान था कि पूछना याद ही नहीं रहा। ठीक है चलो जाकर हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेते हैं। वापस आके खाऊंगा, नमाज के लिए जा रहा हूँ अभी, बल्कि अब तो शेख मोहतरम की महफिल के बाद खाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, हम भी बस आ रहे हैं महफिल में। क्या बात है बच्चे, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बस यूं ही, एक बहुत ही अजीब सी बात हुई है अम्मा। क्यों क्या हुआ? अभी इस्माइल आया था, कह रहा था यूनुस अफंदी ने दानिशमंद के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। या अल्लाह, आज दिया है? हाँ बिल्कुल अम्मा, आज ही। बाबा को तो पता होगा, उन्हें बताए बगैर तो कोई काम नहीं करते। या अल्लाह खैर। जाहिदा भी आई थी यहाँ आज मिलने, जब आप इयादत के लिए गई थी। अरे वो तो मुझे बाजार में मिली थी, यहाँ आने का तो कोई जिक्र नहीं किया उसने, क्या कह रही थी? कहना क्या था अम्मा, बस लड़ती रही। ये क्या कह रहे हो बच्चे, ऐसा क्यों किया उसने? वो बातें ही इतनी फजूल कर रही थी। कौन है वो, किसे पसंद करती हो, क्या नाम है उसका, जैसे इसके अलावा कोई मौजू ही ना हो दुनिया में। बच्चे तुम दोनों बहने नहीं सहेलियां भी हो, फिक्र होगी उसे तुम्हारी, जानना चाहती होगी कि अगर उसकी बहन को कोई पसंद है तो वो कौन है। चलो नमाज का वक्त हो गया है। मुझे खुद बताया था उन्होंने, इस्तीफा दे दिया है यूनुस आगा ने। अल्लाह अल्लाह, सबब नहीं बताया कोई उन्होंने? नहीं बताया, वो खुद आ गए, खुद ही पूछ लीजिएगा आप सबब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूनुस अफंदी। सुना है आपने हवेली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, इस्माइल अफंदी बता रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई बात नहीं यूनुस अफंदी, हमें सबब तो नहीं मालूम इसका, लेकिन शायद ऐसा किस्मत में लिखा था। जी यकीनन पीर भाई, जो जैसा होना लिखा था वैसा ही हुआ। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, हम दोनों कल साथ चलेंगे और अखी बरादरी का सारे काम निपटा देंगे। क्यों ना हम पहले नमाज अदा कर लें पीर भाइयों, फिर आप लोग चाहें तो अपना हंसी मजाक जारी रखिएगा। इस्माइल अफंदी, आदम अफंदी अगर आपको दोबारा नसीहत करें तो पहले आकर आप मुझे खबर कीजिएगा। नसीहत नहीं करते अब वो,
अब तो वो चाहते हैं कि कोई उनको नसीहत कर दे। हजरत इब्राहिम अधम रहमतुल्लाह अलैह एक बार सफर करके बसरा पहुंचे तो मस्जिद के अहाते में हजरत से वाकिफ अफराद वहां जमा हो गए। ए हजरत, उन्होंने अर्ज की, हम कितनी भी शिद्दत के साथ दुआ करें, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम जो इस करम से महरूम हैं, इसका सबब आखिर क्या है भला? हजरत इब्राहिम अधम ने एक एक करके उन लोगों के इस हाल के 10 अजबाब से उन्हें आगाह किया, यानी दुआओं के कबूल न होने की अहले बसरा को वजह बताई। सबसे पहले अल्लाह को जानने का वादा तो करते हो तुम लोग, मगर उसके अहकामात पर अमल नहीं करते। दूसरी बात, कुरान करीम को पढ़ते तो बहुत हो, मगर उसके मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे तो बड़े बड़े करते हो, मगर उन्हें रहबर मानकर उनकी पैरवी नहीं करते। कितनी बातें हो गई भाइयों। हाँ, चौथा नुक्ता, शैतान को दुश्मन तो जरूर कहते हो तुम, मगर सोचो तो असल में तुम उसके दोस्त हो। जन्नत में जाने की आरजू तो करते हो, मगर उसके लायक बनने की कोशिश नहीं करते। जहन्नम से खौफ खाने की बातें तो बहुत करते हो तुम लोग, मगर वो अमल करते हो जो तुम्हें उसके करीब तर करता है। कितने नुक्ते हो गए इस्माइल? छठा नुक्ता था ये। चलो भाई, अब मैं सातवां नुक्ता बयान करता हूँ। मौत को बरहक जरूर समझते हो, मगर हक तक पहुंचने की जर्रा बराबर तैयारी नहीं करते। दूसरों के ऐब तो ढूंढ ढूंढ कर सामने लाते हो, जरा सोचो अपने ऐबों पर तुम्हारी नजर कभी नहीं जाती। अल्लाह का लुत्फ और नेमतें ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हो, मगर शुक्र अदा नहीं करते। हाँ तो साहिबो, अब हम आते हैं आखिरी नुक्ते की जानिब। दुनिया से जाने वालों को हर रोज दफनाते हो, मगर एक रोज तुम सबने भी वहीं जाना है, फिर ये बात क्यों फरामोश कर देते हो? समझ आई इस्माइल मियां, बेजार तो नहीं हुए? इससे पहले कभी हुआ हूँ? यही तो वादा किया था आपने यहाँ जब मेरा पहला दिन था कि सुल्तान इब्राहिम अधम की हिकायत सुनाएंगे, लेकिन भूल गए थे आप। हाँ, यही तो है, वादा नहीं करना चाहिए मेरी जान। क्या फरमाते हैं हाजी बख्ताश वली इस बारे में? अव्वल तो वादा न करो कभी, कर लो तो किसी सूरत न तोड़ो। अच्छा तो बताइए, क्या सबक मिलता है हमें हजरत के किस्से से? असल नुक्ता क्या है इस किस्से का? कि हमारे साथ जो भी पेश आता है वो हम्द और शुक्र न करने की वजह से पेश आता है। अल्लाह के आखिरी नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम्द के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, हम्द नेमत पर शुक्र करने की नेमत का नाम है दर हकीकत। शुक्र करो और हम्द करते रहो हमेशा। शुक्रगुजारों की तीन किस्में हैं। सबसे पहले शाकिर, जो शुक्र की बात पर वाकई शुक्र अदा करते हैं। दूसरे वो जो सिर्फ शुक्र की बात पर नहीं मुसीबत पर भी शुक्र करते हैं। और तीसरी बेहतरीन किस्म के लोग हैं इंतहाई शाकिर। ये शाकिर लोग हर तरह के हालात को रब की मर्जी जानते हुए राजी बरजा रहते हैं। असल में हम शुक्र अदा करने वाली बातों को तो भूल जाते हैं, मुसीबत आते ही शिकवे करने लगते हैं। ये कोई बात हुई भला?
इंतहाई शाकिर लोग हैं वो, जो लुत्फ में भी खुश कहर में भी खुश। और हम वो कि जालिम को जुल्म करते देखा नहीं और लगे उस पर इल्जाम धरने। आईने का रुख जरा अपनी तरफ करके तो देखो, सबब है क्या आखिर इस हालत का? हम तो मजलूम हैं, हम पर जुल्म हो रहा है, ये कहना ठीक नहीं। मामला वाज़े है, जैसे हम खुद हैं वैसा ही हमारे साथ होगा। कोई भी शय सोचो तो हमारे इरादे से और हमारी जद्दोजहद से हरगिज बाहर नहीं है। तो यानी कोई भी किसी दूसरे के साथ कुछ नहीं कर सकता। हम जो कुछ भी करते हैं अपने साथ खुद करते हैं। इजाजत है कासिम आगा? आ जाओ आदम, आ जाओ। रख दो, वहां रख दो। आफरीन, लकड़ियां तो बहुत खूब काटी हैं तुमने, बहुत लगन से काम करते हो तुम। शाबाश, अच्छी बात है, जबरदस्त। यूनुस अफंदी ने काटी हैं ये और इन्हें साफ भी किया है। हमने तुमसे यूनुस अफंदी की काटी हुई लकड़ियां उठा लाने को कहा था आदम अफंदी, या ये कहा था कि जाओ लकड़ियां काट कर ले आओ? यूनुस अफंदी ने कहा कि जब लकड़ियां कटी हुई हैं तो फिर तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई उजर होता है, कभी गलती मान भी लिया करो। इस्माइल अफंदी भी कुछ कह रहे थे कि तुम अब नसीहत नहीं करोगे, इस तरह की कोई बात क्या मतलब? वो यकीनन यूनुस अफंदी की बताई हुई बात का जिक्र कर रहा होगा। किससे? मुझसे। तुम्हारा यूनुस अफंदी से क्या लेना देना आदम? तुम्हें हमारी शागिर्दी में दिया है शेख मोहतरम ने, मालूम नहीं है क्या? खैर, क्या बताया यूनुस अफंदी ने तुम्हें? चलो बता दो, शाबाश। कोई खास बात नहीं थी कासिम आगा, यूं ही बस दरवेश का बता रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये नौबत आ गई। चलो बता दो ताकि हम भी कुछ सीखें तुमसे आदम। क्या कहा था? बस उन्होंने इतना ही कहा था कि कभी दिल ना दुखाना, क्योंकि दिल खुदावंद का तख्त है, दिल दुखाने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। इबादतें नमाजें सब बेकार हैं, यानी ये कहा उन्होंने? बिल्कुल नहीं कासिम आगा। यूनुस अफंदी, ये आपने क्या फजूल बात कही आदम से? इस्माइल सो रहा है। क्या कहा है आपने आदम से? कासिम आगा, इस्माइल सो रहा है। ठीक है, तो बाहर चलकर बात कर लेते हैं। आदम को कोई बात कही आपने यूनुस अफंदी? नामुनासिब, मैंने सोचा तक नहीं था कि कोई पीर भाई ऐसी बात कर सकता है। ऐसा क्या था जिस पर आपको यकीन नहीं आया कासिम आगा? क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं यूनुस अफंदी? आप नहीं जानते आपने आदम के कान में क्या जहर घोला है। आपका गुस्सा बचा है, सदकल्लाह, लेकिन बात कुछ और तरह पहुंची है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हरगिज हरगिज एक लफ्ज भी ऐसा मत बोलिएगा जिसे अगर काजी साहब सुन लें तो मुर्तद करार दे दे आपको। दिल खुदा का तख्त है, क्या शेख ने नहीं फरमाया कासिम आगा?
तो ये जानते हुए कोई कैसे मुर्तद कह सकता है हमें? हक को हक कहने वाला मुर्तद हो सकता है किसी के कहने से? आप कल के आने वाले नौ आमूज अपने तकब्बुर में अंधे होकर आज हमें दरवेशी सिखाने खड़े होगा यूनुस अफंदी? हम तो वो हैं जो हक की खातिर किसी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। काजी यूनुस अफंदी जो चाहे दरगाह में कहते फिरे, हम मान लेंगे क्या? अस्तग़फिरुल्लाह कासिम आगा, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे लड़ूंगा? आप हमें कम इल्म समझकर तमस्खुर फरमा रहे हैं क्या? संजीदा बात हो रही है ये। क्या मतलब है इस बात का कि नमाज का कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं? आप बहुतान लगा रहे हैं कासिम आगा, हक के हुक्म से इनकार के मुर्तकिब हो रहे हैं। यह मायने रखने वाली हरगिज कोई बात नहीं कही हमने। बात के माने सुनने वाले पर छोड़ दीजिए यूनुस अफंदी। हमने जो अल्फाज सुने क्या हमें उनके माने नहीं मालूम आपके ख्याल में? गलतफहमी में ना रहिएगा, हमने भी मदरसे से तालीम हासिल की। किसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी या आपको कैसे मालूम? कैसे आप नमाज को बेफायदा कह सकते हैं यूनुस अफंदी? कैसी काफिराना बात है! हम यहाँ काफिरों के कुफर से लोगों को बचाने की जंग लड़ने में लगे हुए हैं और आपने एक नया फितना उठा दिया कि किसकी नमाज कबूल है और किसकी नमाज कबूल नहीं। कासिम आगा, मैंने हरगिज किसी की नमाज के बेफायदा होने या फिर किसी को नमाज पढ़ने की जरूरत ना होने से मुतालिक कोई बात नहीं कही। जिस किसी ने हमारे किसी लफ्ज के ये मानी निकाले हैं, उसने हमारी कही हुई बात को जानबूझकर गलत मानी पहनाए हैं। हमने बस इतना कहा कि दानिस्ता किसी का दिल दुखाने वाले की नमाज किस काम की। हम अब भी यही कहते हैं और इसी पर ईमान रखते हैं। यूनुस अफंदी, आपने हदीस का इल्म नहीं हासिल किया कराताई में? नमाज दीन का सुतून है, सुतून। आप ये हदीस नहीं मानते या फिर ये सुतून ढाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी पर बहुतान लगाना बेहद रुस्वा कुन अमल है कासिम आगा। लेकिन अगर आप रुसवाई के दर पे हो ही गए हैं तो यूं ही सही। हम किसी को बुराई से रोक तो नहीं सकते, जाहिर है। इस मसले से मुतालिक आयत पेश करूं या हदीस या फिर दोनों? आसमानों जमीन क्या जाने कि मोमिन के कल्ब में क्या क्या राज छुपे होते हैं कासिम आगा। वो दिन जब ना माल फायदा देगा ना ही औलाद कुछ फायदा पहुंचा सकेगी, उस दिन अगर कोई चीज फायदा देगी और इंसान के काम आएगी तो वो है रब्बुल इज्जत के पास लेकर आने वाला पाक दिल। सूरह शुआरा में इरशाद है। शेख ने भी इसी आयत की तफसीर बयान की। अब क्या मेरे मुंह में खाक? यह आयत बयान करके हमने दीन का सुतून गिरा दिया है क्या? आयत बयान करने से मुर्तद हो गए हम? हमें फुक्र और दरवेशी के साथ लड़ना भिड़ना भी सीखना होगा ऐसा लगता है। शेख ने क्या कहा और कैसे कहा यह हमें आपसे सीखने की कतन जरूरत नहीं। बातिल अकाइद की तरवीज करने की गर्ज से शेख के अल्फाज की मनमानी तशरीह करना इंतहाई बददियानती है। गलत बात की दलील में सही बात पेश करना तो गुनाह कबीरा है। अब बताइए आपका क्या मौकिफ है यूनुस अफंदी? नमाज की जरूरत खत्म हो गई तो बेदीन बेनमाजी दरवेश मुतारफ करवा दिए जाएं लोगों में? अगर आपने ये कुफ्रिया जुमले वापस ना लिए और ये अमल जारी रखा तो फिर आपका अकीदा दीन से इंकार ही कहलाएगा यूनुस। और दीन से यूं इंकार करने वाला ला दीन, ला दीन। हमें इस दरगाह में जुमा जुमा आठ दिन नहीं हुए हैं अफंदी। हकीकत जो भी हो हम बेधड़क कहने का हौसला रखते हैं। आपको इसका अंदाजा नहीं होगा कि हम हक के लिए किस तरह लड़ जाया करते हैं यूनुस अफंदी। और ये तो आपके इल्म में भी नहीं होगा कि हमारा मकसद ही इंसानों के दिल जीतना है यूनुस अफंदी।
लड़ने भिड़ने में हम जमीर की आवाज सुनने से कासिर रहते हैं कासिम आगा। हमारा मकसद तो लड़ना है ही नहीं। तुम्हें जगा दिया मैंने, चलो दोबारा सो जाओ। शाबाश। ये कैसा शोर था यूनुस आगा? नहीं कुछ नहीं था, तुम सो जाओ। कोई चीख रहा था या मैंने ख्वाब में सुनी थी ये सारी आवाज़ें यूनुस आगा? कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए कोई ना कोई झगड़ ही रहा होगा, जाहिर है। तो बेदीन बेनमाजी दरवेश मुतारफ करवा दिए जाएं लोगों में? अगर आपने ये कुफ्रिया जुमले वापस ना लिए और ये अमल जारी रखा तो फिर आपका अकीदा दीन से इनकार ही कहलाएगा यूनुस। और दीन से यूं इनकार करने वाला ला दीन है। पशेमानी के इजहार का तरीका है उसके अस्माए जलाल में से जिक्र तुम्हारा अल्लाह है। वाजिब की तरह जिक्र जारी रहे तुम्हारी जुबान पर आज के बाद। इसमें जलाल कबर जारी करने का मतलब अल्लाह के जलाल को दावत देना है, ज्यादा ठहरना नहीं है। तहम्मुल से काम लेना होगा बहुत, नागा न करना कभी अपने जिक्र वजीफे का, ताखीर न करना इस राह जलाल से जल्द गुजर जाने में, क्योंकि हमें अगले सब में सोए लोगों को जगाना है। अस्तग्फिरुल्लाह, अस्तग्फिरुल्लाह, अस्तग्फिरुल्लाह। किस जंजाल में फंसा दिया आदम अफंदी? अगर तुमने उस वक्त यूनुस अफंदी की बात का मतलब कुछ से कुछ ना समझा होता तो हमसे कभी बदकलामी का गुनाह सरजद ना होता यूनुस के साथ। वो यूनुस अफंदी, सरदार ने आपको फौरी तलब किया है हवेली में। खैर तो है सरियागा। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सरदार? यकीनन कोई ना कोई राह निकल आएगी। दानिशमंद खत्म हो गए हैं क्या? अगर आप मुनासिब समझें तो सलजूक सल्तनत में ऐलान करवा दें। ऐसा ही करना होगा, मगर हमारी परेशानी का असल सबब यूनुस अफंदी का इस्तीफा हरगिज नहीं है। यूनुस आगा बहुत ही नर्म दिल इंसान है, तभी आप हद से बढ़ रहे हैं। देखो तो जरा इतने से बच्चे की बातें, ऐसे लफ्ज जबान से ना निकालो जो तुम्हारी उम्र से बड़े हो। लेकिन आपके कहे हुए अल्फाज तो आपकी उम्र से ही नहीं दुनिया से भी बड़े हैं कासिम आगा। मैंने ऐसा क्या कह दिया बताओ तो जरा? बेदीन कहा है आपने यूनुस आगा को? इसके बाद कुछ बचता है कहने को?